हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस कला। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम रीयूज़ करेंगे पर्दे के और दो न्यू आइडिया बनाएंगे यूज़फुल से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और झटपट से बनाते हैं दो आइडिया। तो सबसे पहले कोई भी आपके पास ओल्ड पर्दा हो या ओल्ड क्लॉथ हो उसको ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास बचे हुए ये पर्दे थे तो जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ, इसे मैंने कट कर लिया है। तो इसी के नाप से फॉर्म नॉन वन कट किया है। जो नॉन वन नहीं है अगर आपके पास, तो आप यहाँ पे अस्तर ले लीजिए और इसमें क्विल्ट कर लीजिए। देखिए ये क्विल्ट हमने कर लिया है और अब देखिए इसकी चौड़ाई 11 इंचिस है और लंबाई है इसकी 16 इंचिस। आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम एक रील ले लेंगे और थोड़ा सा ऊपर 1 फिंगर जितनी जगह रखेंगे और इस तरीके से मार्क करते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने 3 मार्क किए हैं और ऊपर भी हो गया है हमारा मार्क। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट सीट लेनी है। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट सीट नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा अटैच कर सकती हैं और स्टेशनरी की दुकान पे इजीली आपको मिल जाएगी। तो 11 इंचिस बाय 5 इंचिस की ट्रांसपेरेंट सीट हमने ली है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप स्टिच कर लीजिएगा, 1 बाय 1 आपको स्टिच करना है, ठीक है। तो ये हमने स्टिच कर लिया। अब आपको क्या करना है, कोई भी नॉन, मतलब मैं यहाँ पे नॉन वन की स्ट्रिप ले रही हूँ, आप कोई भी कपड़े की स्ट्रिप ले सकती हैं। इस तरीके से लट्टा अटैच कीजिए, फिर इसे ऊपर की ओर फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद आपको करना है नीचे इस तरीके से फोल्ड करके स्ट्रिप को अटैच करना है। स्ट्रिप को अटैच करने के बाद ऐसे फोल्ड कीजिए, इसके ऊपर स्टिच कर लीजिए और फिर देखिए कमाल। अब हम कोई भी हैंगर ले लेंगे, इसे फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे थ्रेड्स अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ थ्रेड्स नहीं, और कुछ भी आपको रखना है अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट हमने ले लिया है। देखिए ये पर्दा जो लंबा हो रहा था उसमें से ही बचा हुआ कपड़ा मैंने लिया है। अब हमने क्या किया है, 10 बाय 10 इंचिस का ये पार्ट है, इसे ना फॉर्म नॉन वन लगा के स्टिच कर लिया है और थोड़ा सा पार्ट खुला रखा है, वहाँ से हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो खुला पार्ट था उसे ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लीजिए। टॉप स्टिच करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टिच करना है। यहाँ पे स्टिच करने के बाद इसे कर लीजिए सीधा। सीधा करने के बाद आप सेंटर में स्टिच कर ले। सेंटर में स्टिच करने के बाद एक लूप्स बना लीजिए डोरी से और यहाँ पे अटैच करें कॉर्नर पे। और अब देखिए आपकी जितनी भी सीजर है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। आपको दो आइडिया कैसे लगे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।